नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। जो लोग यहाँ पर आज खूनदान करने आए हैं उनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? अंजना इंसा। मैम, आज आप खूनदान करने आए हो, किस उपलक्ष्य में कर रहे हो आप? खूनदान देना का अच्छा लगता है, शरीर में स्वस्थ रहता है। और खूनदान मतलब हमारे जो गुरुजी ने बोला है उस प्रेरणा पे हमें चलना चाहिए, तो इसलिए हम आज खूनदान देने आए हैं। मैम, आपको डर नहीं लगता खूनदान करते हो? नहीं नहीं, इसमें क्या डरने वाली बात है, जो हमारे सतगुरु ने बोला है हम उसी उस पर चलेंगे, नियम पर, तो वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना। इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, किसी की मदद होगी हमारे उससे खूनदान देने से, तो इसलिए हम खूनदान देते हैं। हमें अच्छा लगता है खूनदान देना, आगे तक देते रहेंगे और हमेशा देंगे। आपके अंदर सोच कैसे आई है? मैम, आज कोई किसी के लिए नहीं सोचता, आप दूसरों के लिए सोचे हो, ये सोच कैसे आई? जब हम दूसरों के लिए सोचेंगे तभी तो कोई हमारे लिए सोचेगा ना। अगर आज हमने खूनदान दिया है, कल को हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमें भी खूनदान देंगे ना। इसलिए मैंने ये सोच बनाई है कि हाँ, सतगुरु ने बोला है कि बेटा देना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, इसलिए मदद करना ज़रूरी है। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा, अब देखा जाए 4 साल हो गए हैं समाज में नहीं है, आपको क्या लगता है उनके ना रहने से कोई प्रभाव पड़ रहा है समाज पे? नहीं नहीं, कोई प्रभाव नहीं। जरूरत है मैम उनकी? जरूरत है। क्यों जरूरत है? पिताजी जरूरत है, पिताजी भी हैं, हमें पता है यहाँ पे हैं, आएंगे, वो जरूर आएंगे। क्या अपील करोगे सरकार से? कि बस हमारे गुरुजी जल्द से जल्द आइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद।